हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रहा है। मुझे कुछ कमेंट आए थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि हाउस वाइफ और मदर कैसे स्टडी करें और घर को संभालते हुए, घर को मैनेज करते हुए। मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा मेम्बर्स हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, तो इस पर आप एक वीडियो बनाएं। तो चलिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। देखिए, बाकी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, है ना, या फिर बाकी एस्पिरेंट हैं, तो वो जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। जो जॉब नहीं करते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन आपके साथ थोड़ी अलग मसला है, आपको टाइम निकाल करके तब पढ़ना है। टाइम आपको मैनेज करके तब आप पढ़ पाएंगे। तो मेन बात, मेन प्रॉब्लम तो ये है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं से तो टाइम निकालना होगा आपको, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। हाँ, सबसे पहली बात कि आप अपने आप पे प्राउड करना सीखिए। वो इसीलिए क्योंकि आप उन महिलाओं की कंपैरिजन में थोड़ी अलग हैं कि आप शिक्षा को महत्व दे रही हैं। चाहे कंडीशन कुछ भी हो उनकी, या फिर इसका रीजन कुछ और हो कि वो क्यों पढ़ पा रही है, या खुद हो, या फिर उनके फैमिली हो, या फिर हमारा पेट्रियार्की जो मेंटेलिटी है वो हो, तो वो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप उनसे जरूर अलग हैं जो कि एजुकेशन को महत्व नहीं देती है। चाहे आपका टारगेट अचीव हो या ना हो, एक बात याद रखिएगा कि आप अपनी लाइफ में हमेशा उन महिलाओं के कंपेरिजन में आगे रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और आप इसके लिए आप अपने आप पे डेली प्राउड फील करना सीखिए। इससे आपको देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा अपनी लाइफ में, आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। जो मैं करती हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैं वही बता रही हूँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि आपको टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालें? तो सबसे पहली बात जो मैं करती हूँ कि आपको अर्ली मॉर्निंग में उठना है। देखिए, कई सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका बेबी होगा, छोटे होंगे या बड़े, जो भी, अगर छोटा है तो फिर ज़्यादा ही समस्याएं हैं। फिर भी देखिए, मेरी भी 1.5 साल की बेटी है, तो मैं आपकी समस्या आप समझ सकती हूँ अच्छे से, मैं रिलेट कर पाऊंगी आपसे, अपने आप को। तो सबसे पहली बात कि आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 4 या 5 बजे उठ जाइए, ठीक है। अगर 4 बजे नहीं उठ पाती है तो 5 बजे तो आप जरूर उठ जाइए। तो इससे ये होगा कि आप सारा काम भी कर पाएंगी और अपना पढ़ाई भी कर पाएंगी। तो 4 बजे अगर आप उठती हैं तो 4 से 6 आप स्टडी करिए, ओके। अगर आप 5 बजे उठती हैं तो आप 5 से 7 स्टडी करिए, ओके। जब आपने 4 से 6 या फिर 5 से 7 बजे तक आपने स्टडी कर लिया, तो फिर इसके बाद आपको टाइम मिलता है घर का काम, ब्रेकफास्ट बनाना, जो भी झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है वो आप कर सकते हैं, ओके। तो 10 बजे तक आप 4 घंटे काफ़ी होते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आप 4 से 6 पढ़ लिया, फिर 6 बजे से 10 बजे तक आपको टाइम मिल रहा है, काफ़ी होते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं आप, ओके। देखिए, जहाँ तक काम की बात आती है, तो देखिए, घर का सारा काम करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपका काम नहीं है। आपके फैमिली में अदर मेंबर हैं, आप उनको भी कह सकती हैं, प्यार से ही कहने हैं, लड़ाई नहीं करनी है। तो ये है, आप अपने हस्बैंड से भी थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं, घर में जो भी है, जो भी मेंबर्स हैं उनसे। तो चलिए, तो फिर 10 बजे के बाद फिर आपको काम नहीं करना है, फिर 10 से 12 बजे तक फिर आपको स्टडी करनी है, ओके। तो फिर 2 घंटा ये हो गया। फिर देन 12 बजे से 3 बजे तक, ओके, 12 से 3 बजे तक फिर आपको, जैसे कि खाना बनाना हो गया, फिर जो भी काम है, फिर अगर आपके पास बेबी है तो फिर वो कम ही पड़ जाता है ना, और जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। देन फिर 3 से 5 बजे तक आप फिर स्टडी कर लीजिए, है ना। तो फिर 2 घंटा ये हो गया। फिर 5 से 9 बजे तक आपको काफ़ी टाइम मिलता है, 4 घंटे। इसमें आपको शाम को वॉकिंग करना, फिर रात का खाना बनाना, ओके, फिर क्या कहते हैं, म्यूजिक सुनना, जो भी मनपसंद की चीज़ें एंटरटेन के लिए। हाँ, टीवी सीरियल ये सब इससे दूर रहिएगा, प्लीज़ सीरियल वगैरह मत देखिएगा, सास बहू और साजिश वगैरह, है ना, उसी तरह का ये दिमाग होता है, याद रखिएगा। फिर तो कुछ अच्छा चीज़ देखिए जो आपको लाइफ में काम आए, है ना, जो आपके स्टडी से या आपके सिलेबस से, आपके कोर्स से जो जुड़ा हुआ है, वैसी चीज़ें देखिए, कोई लेक्चर सुन लीजिए कोई अच्छा सा, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो फिर आपको 9 बजे तक, ये काफ़ी लंबा टाइम होता है,
तो ये फिर मिल गया आपको, फिर 9 से 10 बजे तक एक घंटा आप फिर पढ़ लीजिए। तो ये हो गया आपका, तो कितना टाइम हो गया आपका, देखिए 4 से 6 आपने पढ़ा 2 घंटे, ये हो गया 10 से 12 पढ़ा आपने 2 घंटे, फिर ये हो गए 4 हुआ, फिर 3 से 5 पढ़ा आपने तो फिर ये 6 घंटे हो गए, और फिर 9 से 10 पढ़ा आपने तो 7 घंटे हो गए। 7 घंटे काफी होते हैं। हाँ, बीच बीच में अगर आपका बीबी है तो पढ़ाई के टाइम में आपको डिस्टर्बेंस होंगे, ये इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती, ये मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से, मेरे साथ होता है, बट आप उसको अगर ध्यान ही दीजिए, उसको आप इग्नोर करिए, है ना, 10-15 मिनट हो जा रहा है तो कोई नहीं, फिर भी 6 घंटे तो हो ही गया ना, 6 घंटे काफ़ी होते हैं, मैंने आज तक 6 घंटे से ज़्यादा कभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, ना मेरे बस की बात है। तो फिर ये हो गया, फिर 10 बजे के बाद आपको सो जाना है, बिकॉज आप अर्ली मॉर्निंग उठ रही हैं, 4 बजे 5 बजे उठ रही हैं, तो फिर तो सोना तो जरूरी है, क्योंकि दिन में तो आपको टाइम मिल नहीं रहा है ना, और दिन में सोना भी जरूरी नहीं है। पहले मुझको लगा था ना नहीं, दिन में नहीं सोएंगे ना तो फिर तबियत खराब हो जाएगी यार, ऐसा मैं सोचती थी। जब से बेबी हुआ ना, अब 1.5 साल की उम्र रखी है, तो फिर 1.5 साल में ना मैंने इतना, तो फिर मुझे पता चल ही गया है कि दिन में सोना जरूरी नहीं है, नहीं मुझे टाइम मिलता है ना, मैं कभी सो पाऊंगी। तो फिर यही था, फिर 10 बजे के बाद आपको सो जाना है, फिर वही फिर रूटीन फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सब कहना चाहूँगी, खाना बनाने का जो टाइम होता है, जो किचन का जो टाइम होता है ना, उसको आपको सिर्फ खाना बनाने में ही वेस्ट नहीं करना है, ये मैं बताना भूल गई मैं भैया आपको। आप उस टाइम में आप मोबाइल रखिए और कहीं पे भी रैक पे रख दीजिए अच्छे से एडजस्ट करके, और जो आपके स्टडी से आपके कोर्स से रिलेटेड यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल हैं, जैसे कि मैं दृष्टिका उत्कर्ष क्लास का ऐसे स्टडी चैनल है, मणिकांत सरकार को फॉलो करती हूँ, तो आप जिस किसी भी चीज़ की तैयारी कर रही हैं, SSC हो, दारोगा हो, BPSC हो, जो भी हो, या फिर वैसे ही आप किसी कोर्स के लिए आप पढ़ रही हैं, तो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है यूट्यूब पे आप उनको फॉलो करिए खाना बनाते टाइम। देखिए 100% आपके दिमाग में नहीं जाएगा, बट 50% तो जाएगा ना, जो सुना हुआ होता है ना वो कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है और बहुत काम आता है, ये प्रैक्टिकल किया है मैंने, तो आप करके देखना, तो फिर कितना अच्छा फील होगा ना, आपको लगा कि यार मैंने तो खाना बनाने का टाइम भी मतलब मैंने यूटिलाइज कर लिया, मैंने खाना भी बना लिया और मैंने पढ़ भी लिया, तो ये आप चेक करना, ओके, करके देखना फिर आप बताना। तो यही था, और कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा, अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, और आप क्या वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, तो मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। देखिए मेरे पास में टाइम बहुत कम होता है, मैं सोचती बहुत हूँ कुछ हूँ बट कर नहीं पाती, खास करके वीडियो बनाने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, तो ये होता है, बट चलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मेरा 1 महीना भी नहीं हुआ है मेरा फर्स्ट वीडियो का, देखिए चैनल का तो 1 साल हो गया है, बट जो मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ ना वो 1 महीना भी नहीं हुआ है, और आप सबका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना मुझे, उसके लिए आप सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू। ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखिए। पहले मैं अपनी बच्ची का वीडियो डालती थी, वैसे ही कभी कभार डाल देती थी, बट अब मैं अपना ही वीडियो डाल रही हूँ और रेगुलर अपना ही वीडियो डालूंगी। तो फिर बताइएगा और कुछ कमियाँ हो मेरी वीडियो में तो वो भी बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, है ना, सीखने से ही होता है सब कुछ, वैसे कोई सीख के नहीं आता है, इस धरती पर सब कुछ सीखते हैं। तो चलिए, और हाँ, रक्षाबंधन की भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा कभी भी निगेटिव नहीं होना है, जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आप हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। निगेटिव वो लोग रहते हैं ना जो कभी जिनके लाइफ में कोई टारगेट ही नहीं होता, कोई गोल ही नहीं होता, भले आपका जो लक्ष्य हो आपको मिले ना मिले, लेकिन आप जरूर जरूर बेहतर कर पाएंगे, ये आपको हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट और बिलीव करके आपको रहना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।